देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिटेल्स गोइंग। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने DDO फ्री डिस्क बॉक्स को अपने लैपटॉप में किस तरह से कनेक्ट कर सकते हो। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने लैपटॉप में जो है अपने लैपटॉप में DDO फ्री डिस्क बॉक्स को MPG2 बॉक्स को कनेक्ट किया हुआ है। और ये देख सकते हो आप, ये MPG2 बॉक्स है दोस्तों, और ये इजी कैप के जरिए मैंने इसे कनेक्ट किया हुआ है अपने लैपटॉप से। तो आपको ये जो इजी कैप है दोस्तों, ये ख़रीदना होगा। ये आप देख सकते हो, ये इजी कैप, ये आपको लोकल मार्केट में दोस्तों कम से कम 400 रुपये के आसपास मिल जाएगा। तो इस इजी कैप को ही, इस इजी कैप के जरिए ही आप अपने MPG2 बॉक्स को अपने लैपटॉप में कनेक्ट कर सकते हो, और DDO फ्री डिस्क के सारे चैनल आप देख सकते हो अपने लैपटॉप में। तो अपने लैपटॉप में कनेक्ट करने के लिए दोस्तों, आप देख सकते हो ये कॉर्ड लगा हुआ है, ये देख सकते हो, ये वीडियो के लिए पीला कॉर्ड और ऑडियो के लिए जो है वाइट वाला और रेड वाला कॉर्ड लगा हुआ है। तो इस कॉर्ड को दोस्तों इस इजी कैप में कनेक्ट करना है, जैसे कि आप देख सकते हो मैं निकाल लिया हुआ अभी। तो ये जो है इजी कैप, इजी कैप में भी आपको जो है ये देख सकते हो, ये ऑडियो के लिए वाइट वाला और ये दोनों ऑडियो के लिए वाइट और रेड कॉर्ड, और वीडियो के लिए जो है दोस्तों वो पीला वाला कॉर्ड। तो इस तरह से इसे कनेक्ट कर देना है। और ये जो ब्लैक वाला कॉर्ड होता है दोस्तों, ये आपके जो पुरानी टीवी होती है डब्बा टीवी, उसके लिए काम में आता है दोस्तों। और ये जो है USB के लिए, ये जो लैपटॉप की USB जहाँ पर होती है वहाँ पर इसे कनेक्ट कर देना है। देख सकते हो आप, मैंने कनेक्ट कर लिया दोस्तों। और अभी आपको इसको और एक बार कनेक्ट कर लेना है, इसको भी बैक कर देना है। तो आपके जो लैपटॉप है दोस्तों, उसमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है आपको, VCL प्लेयर। और VCL प्लेयर डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको लैपटॉप में Ctrl+C दबा लेना है। तो इस तरह से ऑप्शन आएगा दोस्तों, तो इस ऑप्शन में आपको थोड़ी सी सेटिंग करना है। तो आप देख सकते हो कि जो डायरेक्ट शो है, यहाँ पर जो है डायरेक्ट शो ही रखना है, और ये डिफ़ॉल्ट में आपको जो है USB वीडियो डिवाइस /1 कर देना है। और नीचे में जो डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है वहाँ पर आपको USB 2.0 माइक कर देना है, इसे ओके कर देना है। और ये जो एडवांस ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर आपको जो है देख सकते हो पिक्चर, यहाँ पर जो है पहले ऑप्शन में जो लिखा हुआ है 4/3, इसको आपको कैंसिल कर देना है। एडवांस ऑप्शन में जाना है दोस्तों, वहाँ पर आपको देख सकते हो यहाँ पर आपको 16/9 कर देना है। दोस्तों और इससे ओके कर देना है आपको, ठीक है, बाद में आपको प्ले कर देना है। तो ये देख सकते हो दोस्तों, फ्री डिस्क चैनल जो है चलना शुरू हो गए दोस्तों। इस तरह से आपको सेटिंग करना है। और इसको फुल करने के लिए आपको जो है यहाँ पे लैपटॉप में आप देख सकते हो F की बटन दबा देना है, तो ये
पूरा फुल स्क्रीन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगे ज़रूर मुझे बताइए दोस्तों, और आप भी अपने फ्रीडिस बॉक्स को जो है, अपने MPG2 बॉक्स को जो है अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हो।